हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने घर पे रखे पुराने अनयूज्ड वेस्ट चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इस तरीके के पुराने मटके को रिसाइकिल करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, एक अमेजिंग लुक दे सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों से ऐसे चार अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरे चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है, स्पेशली द वन विच आई हैव अपलोडेड अ वीक बिफोर। तो इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, आई एम लिटरली ओवरवेल्म गाइस। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं जो जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, जो कनेक्ट हो रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्टली वेलकम करना चाहती हूँ। बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज, मेरा ये चैनल हर एक दिन धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा, क्योंकि ये भी दोस्तों होम डेकोर से रिलेटेड है। एंड या गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाजू में बेल बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों मेरे पिछले साल का मटका, क्योंकि इस समर सीज़न में मैं इसका कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसे फेंकने के बजाय आज मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इसे अच्छे से धो लें और एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक इसे पानी में डूबे रहने दें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी पेंट करते हो तो ये मटका आपके पेंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। 3 घंटे भिगोने के बाद ये मटका रेडी हो चुका है मेकओवर के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये नल देख रहे हैं जो इसके साथ अटैच्ड है? मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर आप फर्दर पर्पस में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इस नल को एज इट इज़ रहने दें। नाउ इस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शिल्पकार क्ले, बट आप इसके बजाय एमसील भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये मेरे पास ईजिली अवेलेबल था, इसलिए मैं ये यहाँ यूज़ कर रही हूँ। नाउ गाइस, स्पॉट पेंटिंग बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ मैं। ये मेरे सारे अदर पेंटिंग से बहुत ही सिंपल और अलग होने वाला है। तो पहले मैं यहाँ बेस कोट दे रही हूँ एक्रेलिक वाइट से। इफ़ यू विश, यू कैन गो फॉर ऑयल पेंट ऑल्सो। अब जो ये पॉट पे कार्विंग दी गई है उसे हाईलाइट करने के लिए मैं सिंपली अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करूँगी। इफ़ यू विश, यू कैन फॉलो दीज पॉट पेंटिंग मेथड्स, एल्स यू कैन स्किप टू द होम डेकोरेटिंग आइडियाज़। इट्स टाइमिंग इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। This is one of the super easy, less time consuming and rental friendly coffee table setup. आप अपने घर के किसी भी कोने में ये सेटअप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 चेयर्स यूज़ की हैं accompanying with some colorful cushions, और सेंटर में मैं ये सेटअप तैयार कर रही हूँ यूजिंग फ्लोर मैट, मटका, और इसके टॉप में मैं ये ड्राई फ्रूट का प्लेट रख रही हूँ। अगेन, आई एम जस्ट रिसाइकलिंग दिस वेस्ट स्टफ सो दैट इट कैन होल्ड ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू एंजॉय माय फन फिल्ड टाइम।
this is one of the easiest decorating ideas to enhance the beauty of your recycled stuff. I mean to say guys, आप अगर plant lover हो और घर के किसी भी corner को एक green और natural effect देना चाहते हो, then just put some indoor plants, succulents or any other water-based plant and your corner is ready to reflect that green. And guys, you can even use it to elevate your small space garden. Intensify your corner and give a space to your memories. अपने यादों को इस तरीके से explore कीजिए कि वो पल आपको हर दिन याद आए. You can keep your child's photographs, trophies, accompanying with some artificial or natural plants. Go on and play with your creative ideas to enjoy the memories enthusiastically. अपने बोरिंग और मोनोटोनस बालकनी में कोजी सिटिंग एरिया क्रिएट करने का मजा ही कुछ और है. यू रियली डोंट नीड अ टेबल हियर, जस्ट कीप योर मटका एंड ऑन टॉप ऑफ इट कीप दिस ड्राई फ्रूट ट्रे. इफ यू विश गाइस, यू कैन क्रिएट अ ज़ेन कॉर्नर हियर एंड गो अहेड एंड स्टाइल दिस कॉर्नर इन योर ओन वे. Put some garden decor elements like faces, statues or any other artifacts. And of course, throw some colorful pillows or cushions and you are ready to relax. Play with your kids, enjoy this summer or even spend time reading some books. गाइज, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो वॉच किया है तो अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आप अपने घर पे पड़े पुराने वेस्ट चीज़ों को रिसाइकिल करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं. आज जो मेरा बेसिक फोकस था वो है पुराना मिट्टी का मटका. ऐसे और भी बहुत सारे होम डेकोरेटिंग आइडियाज़ हैं जहां आप अपने पुराने पॉट को रिसाइकिल कर सकते हैं, बट ये चार ऐसे टिप्स थे विच वॉज totally reusable, rental friendly as well as easy to implement. लेकिन अगर आपके पास कोई और आइडिया है then please don't hesitate to share with us. I will see you guys next week with some new home decorating video. Till then take care and bye bye.